जय हो द्वारका देश। सब लोग स्वस्थ रहिए और अपनी दुनिया में अपने सपनों में मस्त रहिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा हमारा टॉपिक। टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स और फॉर्चून कुकीज में से भी लेंगे 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है और जहाँ तक बात है कार्ड्स की, तो हर एक कार्ड का अलग अलग मतलब निकलता रहता है। जैसे मान लीजिए 5 कार्ड्स आए हैं शॉर्ट के, फिर भी हर एक कार्ड का अलग डिस्क्रिप्शन होता है जिसका मीनिंग अलग होता है सिचुएशन के मुताबिक। इसलिए हर एक कार्ड को डिस्क्राइब किया जाता है। जिसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ बोरिंग सा लग रहा है, तो वो किसी और चैनल को विजिट कर सकते हैं। वैसे भी ये रीडिंग कंपलसरी नहीं है, तो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। एनीवे, स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। पहला जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक जज्बात है, कहीं ना कहीं यूनियन में आने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे आप दोनों अगर काफ़ी वक्त से इस रिश्ते को नाम नहीं दे पाए हैं, तो ये तो ऑलरेडी आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं और साथ ही साथ ये यूनिवर्स को साक्षी मान के इस रिश्ते को कोई परफेक्ट नाम देना चाहते हैं। यानी कि अब ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने ये कह सके कि आप दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। तो ये कैसे हो सकता है, इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, ये सब वो सोच रहे हैं या सोच रही है। फिर है किंग ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शेर है जो थोड़ा सा गुस्से में है और ये जो पर्सन है वो कुछ सोच रहा है। इन द सेंस कि ये कार्ड यही रिफ्लेक्ट करता है कि अंदर से तो इस पर्सन को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। मतलब जैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके अगर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिलेज आप दोनों ने फेस किए हैं, तो अब इनको जितना जितना वक्त इनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है, उतना ज़्यादा सिचुएशन के ऊपर इनको गुस्सा आ रहा है और उतने ही एग्रेसिव मोड से अब ये अपने ज़िंदगी को आगे ले जाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। 3 कप छलक चुके हैं लेकिन अभी भी 2 ऑफ कप की एनर्जी बाकी है। जैसे यहाँ पर हमने देखा पहला ही कार्ड हमें मिला है 2 ऑफ कप का, तो पास्ट में यानी कि पिछले हो सकता है कुछ महीनों में ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेके इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब तो पहले ही हो जाना चाहिए था, यानी कि आपका यूनियन हो या फिर आप दोनों का हमेशा के लिए साथ आना हो। लेकिन शायद कुछ लोग हैं जो इनके जज्बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, ये इनके घर वाले हो सकते हैं या फिर हालात का सामना करते करते ये इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे जिस वजह से ये उस यूनियन के बारे में नहीं सोच पाए या फिर एक्शन नहीं ले पाए जो शायद आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो उस बात को लेके रिग्रेट है इनको कि कई बार हम सोचने में कुछ ज़्यादा ही वक्त गवा देते हैं और जब एहसास होता है कि ऑलरेडी बहुत सा वक्त हमारे हाथ से निकल चुका है तो कहीं ना कहीं थोड़ा पछतावा होता है। तो वैसे ही आज अगर ये अकेलापन महसूस करते हैं तो उनको लगता है ये मेरी गलती थी या फिर मेरी गलती है, मैंने एक्शन नहीं लिया। फिर है 2 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। हार्ट के ऊपर क्रॉस बना हुआ है और दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे साइड में हैं, जो बताते हैं कि ये दिल की बातें तो कहना चाहते हैं, भले ही ये बातें आपसे कहना हो या फिर उनसे जिनसे ये प्यार करते हैं यानी कि अपने घर वाले, तो उनसे भी अब ये बात
क्लियरली कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर हैं एट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक पेंटिकल इस पर्सन ने कलेक्ट करके रखा है और अभी भी ये एक पेंटिकल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए अपनी फैमिली मैटर करती हैं, वो घर वालों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, साथ ही साथ थोड़ा पैसों की भी इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में है। मतलब उनको लगता है कि पैसा जो है वो सोच समझ के खर्चा करना चाहिए या फिर वो किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। ऐसे पर्सन हो सकते हैं, मतलब अपने घर वालों की तो वो हेल्प करते हैं लेकिन उनकी हेल्प इन रिटर्न लेना इनको पसंद नहीं। मतलब अपनी अगर कुछ ख्वाहिशें पूरी करनी है तो उसके लिए उनको लगता है मुझे खुद मेहनत करनी चाहिए या खुद पैसा कमाना चाहिए। तो वैसे ही राइट नाउ भी अपनी कुछ ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ये अपना बेस्ट दे रहे हैं। या आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी, फ्यूचर से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है। फिर है टू ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये पर्सन कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। एक हाथ को वैन में इस तरह से पकड़ के रखा है कि जैसे अभी ये सफ़र के लिए निकल पड़ेंगे। यहाँ पे भी सेम वैसे ही थोड़ी सी हालत है और एक नए सवेरे का इंतज़ार है। तो एक्शन प्लान तो उनके दिलो दिमाग में रेडी है लेकिन जैसे होता है ना कि कई बार हम अपने अपनों से भी कुछ बातें कहने से हिचकिचाते हैं। मतलब उनके दिल के जज्बातों के बारे में भी सोचने लगते हैं, उनके नज़रिए को भी समझने की कोशिश करते हैं और अपनी बात अगर उनके सामने रखेंगे तो फिर हालात क्या होंगे इसको भी इमेजिनेशन में हम इमेजिन करते रहते हैं। तो वैसे ही कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं, जैसे अगर ये घर वालों से कुछ क्लियरली बात करेंगे तो उसका रिएक्शन क्या मिल सकता है। और फाइनल कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स, या साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। यहाँ पे तो मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी देख सकते हैं, यानी कि बातों से ये थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसे मतलब कम्युनिकेशन बहस जहाँ पे होती है उस तरह की लड़ाइयाँ या फिर उस तरह का कॉन्वर्सेशन पसंद नहीं है और इनको मोस्टली ऐसे ही कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी तीन कप छलक चुके हैं, यहाँ पे भी थ्री शॉट्स इस पर्सन के ही ऊपर मान लीजिए जैसे चुभने की तैयारी दिखा रही है। तो ये चाहते हैं कि सब कुछ सही से निपट जाए और सब सही हो जाए, जो भी बातें हो आपसे हो या घर वालों से हो वो अच्छी तरीके से हो। तो शायद मैनिफेस्टेशन का उनका यही मकसद है। फिर है चैलेंजेस, तो राइट नाउ तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो और भी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को तैयार हैं। भले ही कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए उनको लग रहा है कि अब उनको रुकना नहीं है। फिर है प्रिजर्वेंस, यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नोवेयर बट देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड, डोंट गिव अप। तो इनको दिल से महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी में इनके चेंज की ज़रूरत है, यानी कि जो हालात है उसमें ये बदलाव चाहते हैं और उसके लिए इनको ही एफर्ट लेने पड़ेंगे। तो गिव अप नहीं करना है। जैसे यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स के एनर्जी में सैडनेस तो है, मतलब जो हुआ उसके बारे में ये सोच के दुखी तो है लेकिन उनको गिव अप नहीं करना है भले ही हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। फिर है सनशाइन, द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर, बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा सन की, यानी कि आप कह सकते हैं टैरो का जो बेस्ट कार्ड माना जाता है उसकी जैसी एनर्जी है। तो उनको लग रहा है कि बिजनेस में, करियर में तो उनको सक्सेस मिल रहा है लेकिन साथ ही साथ कम्युनिकेशन में भी वो ऐसी ही खुशियाँ चाहते हैं, यानी कि ब्राइटनेस चाहते हैं। तो रिलेशनशिप में वो शायद आपसे दिल खोल के बातें करना चाहते हैं या फिर आपके साथ हर एक बात वो शेयर करना चाहते हैं जो भी उनके दिलो दिमाग में उनको तकलीफ देती है या फिर उनका किसी के साथ शेयर करने का मन होता है। फिर है विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर, हीड एडवाइस फ्रॉम ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन। तो यहाँ पे विजडम की बात आ रही है, यानी कि ये चाहते तो हैं अपने फ्यूचर की तरफ बढ़े लेकिन शायद ये अपने घर वालों से भी सलाह मशवरा कर रहे हैं, यानी कि उनकी मर्जी भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, टफ टाइम्स अहेड, थिंक लॉन्ग टर्म एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, अवॉइड निगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। तो उनको पता है कि जो मंजिल उन्होंने तय की है वहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है, यानी कि शायद काफ़ी ये समझ चुके हैं कि इनके घर वाले जो हैं वो थोड़ा सा अपना मन बना चुके हैं कि ये हाँ नहीं कहेंगे या फिर इजीली बात नहीं मानेंगे।
लेकिन इनको लगता है कि अब जब मैंने मन बना ही लिया है या फिर डिसीजन बना लिया है तो अब मुझे इस बात का सामना तो करना ही है, भले ही हालात कैसे भी क्यों ना हो। फिर है फ्रेंडशिप। अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सेलेंट काउंसलिंग स्किल्स विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात आ रही है, कहीं ना कहीं आपको एज अ लवर तो वो काउंट करते ही है, लेकिन शायद फ्रेंडशिप का भी रिश्ता आपके साथ बहुत अच्छा है, जिस वजह से वो थोड़ा सा मिलजुल के कुछ डिस्कशन करके एक रास्ता निकालने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो उनके दिलो दिमाग में है वो आपको बता के आपका भी कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या जो वो सोच रहे हैं या करना चाहते हैं वो सही है। आपके कुछ सजेशंस है तो वो भी वो ऐड करने के लिए तैयार हैं। फिर है डिक्लटर। डिक्लटर योर लाइफ, लेट गो ऑफ को डिपेंडेंस ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल यू नो लॉन्गर वॉन्ट। समवन विल हर्ट योर फीलिंग्स एंड रिवील अ न्यू साइड ऑफ देमसेल्व्स दैट यू मे विश टू अवॉइड। तो यहाँ पे उनको पता है कि जो बातें वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं उनका सामना तो उनको करना ही पड़ेगा। जैसे शादी ब्याह की बात है, घर वाले कुछ और पसंद करके बैठे हैं और इनको अपनी मर्जी से अगर शादी करनी है तो उनको पता है कि फीलिंग्स तो हर्ट होनी है, घर वालों की हो या इनकी हो, लेकिन ये कब तक आखिर टालते रहेंगे। कभी ना कभी तो इनको उस स्टेप तक पहुंचना पड़ेगा। और राइट नाउ तो ये पहला ही कार्ड जैसे हमें मिला टू ऑफ कप का, ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना, इसलिए ये सोच समझ के कुछ बातें घर वालों से क्लियरली करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।